my god. Coco, the first one is Captain. Then Cars. Then Doll, then Spider-Man, then Barbie. Then who is this last one? And I can see one boy is coming here. Rudy and Vokana. Poli babali udda. It's okay. Coco, no. Let him. Oh, he's not doing anything. Let him take one thing only. Please. Let him take. Ruda, kawa beta. Rudu. Ali. Coco, no. He's not doing anything. But listen to me, beta. Let's see first. He's not doing anything. He will take one thing, then he will go. See? Let him take. Please let him take. अब कहाँ जा रहा है रूडी? कम आ जाओ मम्मा पास कम आ जाओ हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। हाँ यस। अच्छा, से हेलो खोखो। हेलो। और खोखो वेट कर रही है इसको पार्क में। आजकल ना मैं शाम के टाइम पार्क में लेके जाती हूँ, तो पार्क में जाना है। यू वॉन्ट टू गो? अच्छा, पता है क्या, अच्छा लेट मी से समथिंग, लाइक मुझे कुछ बताने दो। तो खोखो का 28 अक्टूबर को बर्थडे था। 5 साल खोखो ने कंप्लीट कर लिए हैं, 6 में ये लगी है। और उसका ब्लॉग में नहीं बना पाए क्योंकि आपको पता है ना, रूडी के पाँव में चोट लगी थी और मेरा दिमाग में मतलब हो ही नहीं रहा था। बर्थडे तो था बच्चे का, खुशी का भी दिन था, बट साथ ही साथ ना रूडी को चोट लगी हुई थी, तो मैंने ना कुछ ऐसा कैप्चर नहीं किया। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि खोखो की बर्थडे हो चुकी है, 28 अक्टूबर को इसने 5 ईयर कंप्लीट कर लिया है। तो उस बर्थडे में ना इसने मुझसे बोला था कि मुझे जो जीवा से मेरा पेंडेंट मुझे मिला था, उसको वो गिफ्ट चाहिए था, बहुत इजी गिफ्ट, तो वो मैंने इसको दिया। साथ ही नितिन ने इसके लिए लिया ट्राई साइकिल R4 Rabbit का, इसका नाम ही है R4 Rabbit। तो ये इसके लिए ट्राई साइकिल ली है। अभी हमने इसको ना इधर मेड वाली जो है बालकनी यहाँ पे रखी हुई है, ये इसकी ट्राई साइकिल ली है। अच्छा, पता है कि ट्राई साइकिल के साथ क्या है, दो है तो मतलब काफी अच्छी ब्यूटीफुल सी पिंक इसने मांगी थी, बट इसके साथ पार्ट क्या है कि पहले क्या होता था, मैं आपको एक मिनट ऐसे दिखाऊँ, एक मिनट। पहले क्या होता था कि ये ना सिंगल खोखो वे था, मेरे को लेट मी शो। तो पहले क्या था, ये सिंगल एक एक टायर में आता था। अब ये क्या है, ये आगे के दो टायर कर दिए हैं। अब जैसे कार को, तो जैसे आप देख रहे हो, अगर बच्चा चलाएगा इधर को मोड़ना है तो मुड़ेगा नहीं ऐसे, इसको यूं करना है बच्चे को, खोखो वेट। और अगर इस तरफ लेफ्ट करना है तो लेफ्ट करना होगा टिल, राइट करना है तो राइट करना है टिल, तो जो कि ना बिल्कुल भी हैंडी नहीं है। तो खोखो इससे ऑलरेडी एक बार गिर चुकी है, और अब खोखो को है कि मुझे ये नहीं चलाना। खोखो के साथ क्या है कि जब किसी चीज़ से गिर जाती है या से चोट लग जाती है, उसके बाद मैडम उस चीज़ को दोबारा यूज़ नहीं करती है। तो अभी खोखो इसको नहीं यूज़ करना चाहती। खोखो ने बोला कि मम्मा आई एम नॉट गोना यूज़ इट। तो ये तो अगर ये ना उस तरह से बना होता कि जस्ट लाइक यू, जैसे कार होती हैं, बाइक होती है, स्कूटर, सबका लेफ्ट करो लेफ्ट होता है, राइट करो होता है इस तरह से मुड़ना, बट इट टिल्ट मतलब यूं करके हल्का सा इसको झुकाव देना है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि बच्चा है तो बच्चा इतनी जल्दी समझेगा नहीं। तो ये शायद अभी रिटर्न होगा नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि ये R4 Rabbit की साइड से ही लिया है। अब आई थिंक मैंने नितिन को बोला था कि ना जो सिंगल आते थे, जब यशु मतलब मेरा नेफ्यू, उसके पास सिंगल वन टायर वाला था तो बहुत ठीक था, क्योंकि वो यूं ऐसे जैसे कार को, जैसे कार का हैंडल यूं घुमाते हैं ना, वैसे घूम जाता था, बट ये ना टिल्ट करके होता, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अभी मतलब गिफ्ट तो बेचारे का आया, लेकिन गिफ्ट उसको पसंद नहीं आया। साथ ही इसको दिखा था, इसको एल्सा और आई थिंक डिज्नी की बार्बी की अलमीरा दिखी थी वार्डरोब, वो मेरी मैम को चाहिए थी। तो वो मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट ईयर जब इसका बर्थडे होगा तो उस बर्थडे में हम इसको इसकी अलमीरा दिलाएंगे। तो अभी हो रहा है मेरा टाइम बच्चों को लेके जाने के लिए, इनको पार्क लेके जाती हूँ थोड़ा सा,
और थोड़ा सा घुमाऊंगी। आज रूडी का वैक्सीनेशन डे भी है, पार्क से बाद सीधे नितिन मुझे नीचे मिलेंगे, उसके बाद हम सीधा चले जाएंगे इनके वैक्सीनेशन के लिए। तो अब मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, आई लव यू।